अज साडे पिंड च 6 प्रोग्राम ने सौंकड़ा च जो कांग्रेस के उम्मीदवार ने साडे धर्मपाल गोंदर जी जो पिछा आजाद विधायक सन उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी है पूरा 5000 वोट है साडे सौंकड़ा पिंड की पूरा हर एक बरादरी बच्चा बच्चा 6 प्रोग्राम है सभी बरादरियों में प्रोग्राम है और टोटल गांव विधायक धर्मपाल जी के साथ है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही सभी अपने नीलोखेड़ी वासियों से पूरे प्रदेश वासियों से निवेदन करता हूँ भाई जिस पार्टी की सरकार आती हो उसी का विधायक बनाना चाहिए ताकि पहले पिछले इलेक्शन में धर्मपाल गोंदर जीता था वो आज़ाद था जी। अब तो कांग्रेस पार्टी की टिकट है अब तो बहुत बड़े बहुमत से जीतेगा सोकड़ा से देख रहे हैं जहां पर जो है कांग्रेस प्रत्याशी धर्मपाल गोंदर आज सोकड़ा गांव में पहुंची हैं और अपने काफिले के साथ जो है यहां पर आते नजर आ रहे हैं। धर्मपाल जी एक बहुत अच्छे शरीफ आदमी ने हर आदमी ने मिलजुल के रिंदे ने बोल चाल बहुत चंगा उन्हों का ये बीजेपी वाले ने उन्होंने काम नहीं होने दिते। लाइव तस्वीरें गांव सोकड़ा से देख रहे हैं जहां पर जो है कांग्रेस प्रत्याशी धर्मपाल गोंदर आज सोकड़ा गांव में पहुंची हैं और अपने काफिले के साथ जो है यहां पर आते नजर आ रहे हैं तमाम कार्यकर्ताओं से मिलते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है तमाम अपने कार्यकर्ताओं से यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सभी नेता जो है जुटकर जो है अपने चुनाव प्रचारों में लगे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है धर्मपाल गोंदर तमाम यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं से मिलते नजर आ रही हैं। सर क्या कहना चाहेंगे चुनावों की तिथि नजदीक ही है जनता का कैसा आपको प्यार मिल रहा है? जनता का इतना प्यार मिल रहा है मैं यहाँ तक भर ही गया प्यार से पूरे हलके की जनता का छत्ती बिरादरी का एक बच्चे से बुजुर्ग को मैं नमन करता हूँ। मेरे ख्याल हमें जो प्यार मिले ने मैं अंदर से इतना भावुक हो रहा अभी गरीब आदमी हमारी इतने बड़ी हमारे को ये जो जनता का प्यार मिल रहा है ये कोई न कोई हमारे माँ बाप की कृपा होगी हमारे ऊपर या भगवान की होगी या फिर 5 साल में इनके बीच में बैठे रहा कुर्सी के पे ना बैठ के साथ में बैठे रहे। मौजूदा विधायक भी है अगर दोबारा से MLA बन जाते हैं जनता को किस तरीके का बदलाव देखने को मिलेगा? जनता को उससे भी पहले से भी ज्यादा प्यार मैं ऐसा करूंगा भाई इनके बीच में रहकर इनका काम करूंगा और अगली बार मैं भगवान करे भाई इससे ज्यादा। चुनावों की तिथि नजदीक है जनता से क्या अपील करना चाहेंगे वोट्स को लेकर? देखो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही सभी अपने नीलोखेड़ी वासियों से पूरे प्रदेश वासियों से निवेदन करता हूँ भाई जिस पार्टी की सरकार आती हो उसी का विधायक बनाना चाहिए ताकि उस हलके का विकास हो सके। आज सोकड़ा गांव में पहुंचे हैं सैकड़ों की संख्या में यहां पर आपके समर्थक पहुंचे हैं तो सोकड़ा के गांव वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सोकड़ा गांव वासियों का धन्यवाद करता हूं। पहले मैं जितनी बार यहां भाई लड्डी जी हैं जो यहां इनकी टीम है जो ये इतना बड़ा जनसमूह खड़ा करे इनका मैं धन्यवाद करता हूं। तो आते हैं तमाम तस्वीरों में आप देखेंगे किस तरीके से जो है यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में धर्मपाल गोंदर के समर्थक पहुंचे हैं और जनता का प्यार आप देख सकते हैं भरपूर जनता का प्यार जो है धर्मपाल गोंदर को मिल रहा है। सब तो पहला तो बहुत बहुत धन्यवाद आप जी का कि आपने साडे पिंड चान के कवरेज कर रहे हो ये तुसी वेख रहे हो कि अज साडे पिंड च 6 प्रोग्राम ने सौंकड़ा च जो कांग्रेस के उम्मीदवार ने साडे धर्मपाल गोंदर जी जो पिछा आजाद विधायक सन उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी है पूरा 5000 वोट है साडे सौंकड़ा पिंड की पूरा हर एक बरादरी बच्चा बच्चा 6 प्रोग्राम है सभी बरादरियों में प्रोग्राम है और टोटल गांव विधायक धर्मपाल जी के साथ है। क्यों साथ है? क्योंकि उनकी सादगी ईमानदारी कोई आदमी कोई भी पूरे हिंदुस्तान में पूरे इंडिया में कह दे कि धर्मपाल ने किसी का भी माड़ा किया हुआ ऐसा कभी नहीं और किसी से पैसे खाए हो ना जितना भी हो सका उन्होंने काम करके दिखाया है लोगों को इसलिए जो जनता का प्यार है और जनता उनके साथ है और सारे विधायक चुनना चाहते हैं क्योंकि अब आने वाली 8 तारीख को कांग्रेस की सरकार बन जाएगी और हम भी चाहते हैं नीलोखड़ी हल्का हमारा चाहता है कि हम भी सरकार में सिरी हों हमारा भी बीच में हिस्सा डले तो इसलिए हमें विधायक बनाना बहुत ज़रूरी है धर्मपाल जी को तभी क्यों पिछले लंबे समय से हम राजनीति के शिकार होते हुए हमारा नीलोखड़ी विधानसभा में बहुत कम काम हुए हैं तो इसलिए विधायक जी अब कांग्रेस के MLA बनेंगे मंत्री बनेंगे और हमारे हलके का खूब काम होगा। जैसे मैं सरपंचों का प्रधान भी हूँ मुझे तो एक सभी सरपंचों के बारे में पता है कोई हम पिछले 4 साल से इस बीजेपी की सरकार ने एक खोटा पैसा
ग्रांट का नाम से नहीं दिया। मेरा कुछ पैसा चंडीगढ़ से आया था डायरेक्ट मेरे गांव का, वो भी जो जो पिछला विधायक था धर्मपाल कबीरपंथी जो बीजेपी का, इसने पैसा रुकवा दिया। ये भी रोष है पूरे हमारे गांव को भी और आसपास के जहां जहां जिनका पैसा रुका है, सभी जनता को इस चीज़ का रोष है कि तुम हमारे काम जो होते हुए वो भी रुकवा रहा है, और तुम विधायक बन के तो हमारे बिल्कुल नाश ही कर देगा, सत्यानाश कर देगा हमारे विधानसभा का। ये बहुत तगड़ा रोष है, इसलिए हमारी टोटल जनता जो है वो धर्मपाल गोंदर जी के साथ है। सिर्फ चुनावों की तिथि नज़दीक ही है, तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील करना चाहूँगा कि उन्होंने आप तो अपना वोट तो देना ही है, अपने परिवार का, मोहल्ले का, रिश्तेदारों का, सज्जन मित्रों का, सभी जहाँ तक भी उनकी पहुँच है, ज़्यादा से ज़्यादा पूरे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का साथ दें और पंजे के निशान के सामने वाला बटन दबा के आने वाली 5 तारीख को कांग्रेस की सरकार बनाए। मैं यहाँ पर देख रही हूँ सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक पहुँचे हैं समर्थन देने के लिए, तो जनता के प्यार के लिए क्या कहना चाहेंगे? जनता का मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ इनको कि इनकी बहुत अच्छी सोच है, अच्छे आदमी को चुन रहे हैं, तो मैं इनका तय दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। 36 बिरादरियों का समर्थन मिल रहा है धर्मपाल गोंधर को, तो मुकाबला कैसे रहने वाला है नीलोखेड़ी में? हमारा कोई मुकाबला नहीं है, एक तरफा धर्मपाल गोंधर जी जीत रहे हैं, किसी के साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं है, एक तरफा माहौल है जी धर्मपाल गोंधर कांग्रेस पार्टी का। तो आप देख सकते हैं सोकड़ा के जो प्रधान हैं लाडी जी, उनका ये कहना है कि भारी मतों से जो है धर्मपाल गोंदर की जीत होने वाली है। अब ये तो पता 5 अक्टूबर को जो है मतदान है और 8 अक्टूबर को जो है नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि मुकाबला कैसा रहा है और क्या नतीजे आए हैं। यहाँ पर हम और भी तमाम लोगों से बातचीत कर लेते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, मौजूदा भी विधायक रह चुके हैं धर्मपाल गोंदर, तो उनका कार्यकाल कैसा रहा है? धर्मपाल जी एक बहुत अच्छे शरीफ आदमी ने, हर आदमी ने मिलजुल के रिंदे ने, बोल चाल बहुत चंगा उन्हों का, ये बीजेपी वाले ने उन्होंने काम नहीं होने दिते। वक्त धर्मपाल जी बहुत ठीक आदमी ने, सारे बुलादियों के नाल 36 बुलादियों के नाल लगी हुई इलेक्शन च। नीलोखेड़ी के लिए काम किया है उन्होंने? हाँ काम किया, जो काम कर सकते उन्हें किया है, बाकी बीजेपी जैसे MLA उनके काम रखवाए वो दिक्कत आई उनको। मुकाबला कैसा लग रहा है आपको नीलोखेड़ी में? मुकाबला चल रहा है एक तरफा। तो जीत निश्चित है? हाँ निश्चित है, जीत जीत। तो आप देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि जीत जो है नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंधर की निश्चित है। सर क्या कहना चाहेंगे, मुकाबला कैसा रहने वाला है नीलोखेड़ी में? मुकाबला ऐसा है कि जो सोकड़ा गाँव है ये सारा एक नके से निकलेगा जी, सारी वोटें ये जो गाँव में है धर्मपाल हर गाँव से जीतेगा और त्रावड़ी में भी जीतेगा। ये कहते हैं त्रावड़ी में नहीं जीतेगा, जीतेगा वहाँ भी। ये जो अच्छे काम किए हुए इन्होंने अच्छे कामों से जीतेंगे। हाँ जी सर कैसा रहा है धर्मपाल गोंधर का कार्यकाल? हाँ बहुत अच्छा है जी, उसका बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा आदमी है। काम किए हैं जनता के लिए? बहुत काम किए, सौकड़े काम में गाँव में बहुत काम किए हैं, दूसरे गाँवों में भी बहुत काम किए हैं। हाँ जी हाँ जी, गांव सौकड़ा जो है सैकड़ों की संख्या में समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। हम बातचीत कर लेते हैं, सर क्या कहना चाहेंगे, नीलोखेड़ी में मुकाबला कैसा रहने वाला है, धर्मपाल गोंदर को जनता का कैसा प्यार मिल रहा है? ऐसा है जी, पहले पिछले इलेक्शन में धर्मपाल गोंदर जीता था, वो आजाद था जी। अब तो कांग्रेस पार्टी की टिकट है, अब तो बहुत बड़े बहुमत से जीतेगा, बहुत बड़े बहुमत से जीतेगा। मौजूदा विधायक भी रह चुके हैं, तो कैसा उनका कार्यकाल रहा है, जनता खुश है उनसे? हाँ जी जनता बहुत खुश है उनसे, अच्छे काम किए हैं, अच्छा बर्ताव किया है जनता के साथ उन्होंने, इसलिए उनको ये फुल मौका मिलेगा, क्योंकि ऊपर भी कांग्रेस सरकार आ रही है, तो इसलिए हमारा ब्लॉक नीलोखेड़ी का सोकड़ा गांव में। सबसे पहले करनाल ब्रेकिंग न्यूज का धन्यवाद, आप सोकड़ा गांव में आए हो और आपको पता ही है जैसे 10 साल हो गए बीजेपी को ना, किसान कितना दुखी है, बॉर्डरों पर बैठे है, कोई सुनवाई नहीं है और पोर्टल वाला सिस्टम कर दिया ना, एक छोटा किसान है, एक ट्राली है उसके पास, वो लेके जाता खड़ा रहता है, कितना दुखी है। और आने वाली कांग्रेस सरकार का यही दावा है कि आते सार पहले तो पोर्टल ही ख़त्म कर देंगे ना, और दूसरी बात कि एक तरफा इलेक्शन हो जाएगा, मुकाबला एक तरफा है बिल्कुल, हर गांव में बच्चे बच्चे की यही पुकार है कि कांग्रेस को लेके आना है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी ने तो झूठ बहुत बोले हैं, देखो अब ताज़ा झूठ बोला था कि किसानों का पोर्टल पर 2,000 रुपया प्रति एकड़ आएगा, किसी जमींदार का कोई पैसा नहीं आया, कह रहे थे बुढ़ापा पेंशन 3500 कर देंगे 3000 की बजाय, किसी की पेंशन नहीं बद हुई। तो पहले तो मोदी ने झूठ बोलने में कसर नहीं छोड़ी, अभी भी ये झूठ ही झूठ पे झूठ ही बोल रहे हैं, कोई सच्चाई वाली बात नहीं कर रहे। महंगाई कितनी आसमान को छू गई है, सरसों का तेल जो 50-60 रुपए किलो था आज 200 रुपए मिल रहा है, पेट्रोल 50 रुपए था आज 100 रुपए मिल रहा है, डीजल 40-45 रुपये था अब 90-95 रुपए मिल रहा है। तो देखो अब फसलों में जाके देखो मंडी में क्या हाल हो रहा है, अभी
झूठ पे झूठ बोलने, पहले कहने लगे भाई 23 तारीख को सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी, अब कह रहे हैं 1 तारीख, 1 तारीख आएगी फिर बढ़ा देंगे 10 तारीख। जो किसान की फसल 2500 रुपए वाली है वो 1800-1700 में 1600 में खरीदी जा रही है, पिछले साल 3500 रुपए 1500 नौ बेची थी हमने, और आज 1700-2000 रुपये लूट रहे हैं सारे किसानों को। तो किसान तो इतना दुखी आत्महत्या करने पर आ रहा है, क्या करेगा किसान? अगर किसानी खत्म हो जाएगी तो देश खत्म हो जाएगा। एक तरफ तो कहते हैं कि किसानी हिंदुस्तान के रीढ़ की हड्डी है, और दूसरी तरफ किसानी कोई एक गुण का कीड़ा बन के लगे हुए हैं, किसानी कोई खत्म कर रहे हैं, भी किसान ही रहेगा नहीं। शिक्षा खत्म कर दी, मेडिकल इन्होंने खत्म कर दिया, शिक्षा खत्म कर दी, कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा, कोई इनसे मत ना लेगा, इसलिए शिक्षा को भी खत्म कर रहे हैं। तो पूरे सोंकड़ा गाँव का समर्थन मिल रहा है धर्मपाल गोंदर को? मैं तो कहता हूँ पूरे नीलोखड़ी ब्लॉक का समर्थन मिल रहा है मैडम जी, कले सोंकड़े का नहीं, सारे नीलोखड़ी ब्लॉक का समर्थन है, खुला समर्थन है हाथ खड़े करके। तो आप देख सकते हैं तमाम जनता का ये कहना है कि भारी मतों से जो है धर्मपाल गोंदर की जीत होने वाली है। इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे थे गांव सोकड़ा से, मेरे साथ दीपाली धीमान, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़।